स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स और किस सिचुएशन में कौन सा ग्राफ आपने यूज़ करना है तो जो नेक्स्ट ग्राफ है दिस इज़ कॉल्ड हरिकल ग्राफ और इसका मकसद ये है कि जो एक लेयर है फिर दूसरी तीसरी इस तरह जो मल्टीपल लेयर्स हैं उन तक जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी किस तरह से स्टोर होती है और इसको फिर आप रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं और ये आपकी जो वैरायटी ऑफ सिचुएशन में ये ग्राफ्स आपके यूज़ होते हैं दीज आर सिंपल टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू मनी अदर फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इसमें आप देखिए कि हम कह ये रहें कि जो आपकी एंट्रीज हैं विद इन द डाटा सेट वो उनका कोई ज़रूरी नहीं कि डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो बट दैट इज़ समथिंग डिफरेंट लेकिन असल जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली वो ये कि ये आपकी टॉप लेयर है ये फिर नेक्स्ट है ये फिर नेक्स्ट है और ये फिर नेक्स्ट है अब दिस इज़ फर्स्ट दिस इज़ सेकेंड दिस इज़ थर्ड दिस इज़ फोर्थ और इसके नीचे और भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन बट दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस तरह मल्टी लेवल जो इसको hierarchy है इसको हरारकी कहते हैं ये ऑर्गनइजेशन की हरारकी है दिस इज़ अ फैमिली हरारकी या आपकी जियोग्राफिकल हरारकी बेसिकली आप इसको किसी तरह से भी देख सकते हैं इसकी हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं जिनको हम अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवेल्प कर सकते हैं जैसे फ़र्ज़ करें टाइम है आपका तो अगर टाइम है इट इसको अगर आप एक टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं इसको एक और एंगल से भी देखने की ज़रूरत एक तो ये सिंपल इसकी रिप्रेजेंटेशन है ना जब आप इसको डेटा को स्टोर करते हैं जब आप इसकी इंडेक्सिंग करते हैं या आप उसकी पार्टीशनिंग करते हैं तो आप वो पार्टीशनिंग जो डेटा की उसको इसी तरह से कर सकते फर्द करें दिस कैन बी योर ये साल है ठीक है दिस कैन बी मंथ दिस कैन बी डे एंड दिस कैन बी योर आवर और ये फिर उसके अंदर मिनट हो सकते हैं और फिर उसके नीचे सेकंड दिस इज़ कंप्लीट हरारकी एंड दिस इज वेरी वेरी यूनिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड इसी तरह आप इसको एक दूसरे एंगल से देखें तो फर्स्ट लेवल पे इट कैन बी योर कंट्री देन इट कैन बी योर स्टेट और प्रोविंस देन योर सिटी एंड देन योर यू नो टू द बेसिक लेवल पे जाके दिस कैन बी ये आपका होम एड्रेस भी हो सकता है अब ये ये चीज़ शेयर करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ यही नहीं कि आप इसको फैमिली ट्री के लिए यूज़ करें ये अब मेरे पास ये जो एक एग्जांपल है ये बेसिकली एक कंपनी है कि जी टॉप पे कंपनी का सीईओ है उसके नीचे फिर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड एंड सो वन एंड सो फोर्थ बट सेम कॉन्सेप्ट इज़ बीइंग यूज्ड ये जब आप इन व्हेन यू विल स्टार्ट डिवेलपिंग योर डेटा स्ट्रक्चर्स जब आप उस पर प्रैक्टिकली जाकर कर उन चीज़ों में काम करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो हरारिकी है इसका कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है एंड हो यू you नो know, ये किस तरह आपकी ये जो एफिशेंसी है जो डेटा को जब आप क्वेरी करते हैं एस में या किसी और में तो देखिए एक ये कि अब आपने फ़र्ज़ करें स्टेप बाई स्टेप आप पहले यहाँ आए फिर उसके बाद यहाँ आए फिर यहाँ आए अगर आपका डाटा प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन अगर आपने डेटा की पार्टिशनिंग इस तरह से की है तो आपकी जो क्वेरी है देखिए क्वेरी लिखना एक आर्ट है राइट तो फिर उस सूरत में आप क्या कर सकते अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली जाना तो आपको यू डोंट हैव टू फॉलो दिस रूट आप डायरेक्टली इस लेवल पे जाके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक फीचर ऑफ डिफरेंट डाटा बेस पार्टिशनिंग इसको कहते हैं ये अवेलेबल है बताने का मकसद ये कि ये जो हरारिकी का कॉन्सेप्ट है डाटा साइंस में या डाटा बेस में ये जो आप फ्रंट पे देख रहे हैं दिस इज़ ओके दिस इज़ जस्ट टू तो एक्सप्लेन यू या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए लेकिन अगर आप इसकी जो हाइंड साइड पे देखें या बैक साइड पे देखें जब आप डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं डेटा एक चीज़ जिसे कहते हैं स्कीमा डेटा बेस की ये जो डेटा इंजीनियर्स हैं और डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट सब के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो डेटा का स्कीमा है स्कीमा इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेबल्स और स्ट्रक्चर और वो जो चीज़ें सारी तो उसके अंदर फिर आप डेटा को पार्टीशनिंग इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी क्रिटिकल फीचर जो कि आपकी डाटा की एफिशिएंसी आप कहते हैं जी मैंने एक रिपोर्ट रन की वो तो चल ही नहीं रही राइट उसकी वजह सिर्फ ये कि वो जब आपकी क्वेरी है या आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है प्रॉपर तरीके से तो आप फिर पहले यहाँ आते हैं फिर यहाँ आते हैं फिर फिर आप यहाँ पहुँचते हैं राइट लेकिन अगर आपने डाटा को प्रॉपरली डीनॉर्मलाइज किया है उसको खोल के रखा है इन सिंपल वर्ड्स देन यू कैन डायरेक्टली कम हेयर राइट तो यू कैन इमेजिन कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं डाटा के और अगर आपने उसको हर दफ़ा एक एक लाइन से होके आना या आपने डायरेक्ट उस लाइन पे जाना है जहाँ पे आपका टारगेटेड डेटा है तो हाउ मच डिफरेंस इट विल मेक इसी तरह ये एक और है कि ये इसमें एग्जांपल दिया आपको मैंने कहा रूट की और एज की और पेरेंट की और चाइल्ड की और यू नो लीफ नोड ये सारे बेसिकली आपके डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट हैं और आ, इनको आप अच्छा एक चीज़ और भी है कि अगर मैं अगर इसको लास्ट इसको हम देखें तो ये इनकी अपनी एप्लीकेशन है अगर आ, आप एग्जांपल लेके आप एक एचआर की एप्लीकेशन है अब एचआर की जो एप्लीकेशन है उनके अंदर जब आप वो बैकेंड पे चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल हरार है या इसको ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं ये वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बना देती है आपने उसके अंदर डिफ़ाइन किए हैं अपने फ़र्ज करें एक डिपार्टमेंट का हेड है फिर आपने उसके अंदर उनका रिलेशनशिप डिफ़ाइन किया हो कि ये बंदा वो कैसे कि कौन किसको रिपोर्ट करता है राइट अब ये सीईओ है तो उसके अगर नॉर्मली एक जो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक सीईओ को आठ दस लोग बारह लोग रिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कम करते हैं तो उसके अंदर आपका जो एच की एप्लीकेशन है उसके अंदर आप ये डिफ़ाइन करते हैं कि फ़र्ज़ करें जो मैनेजर है वो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है और जो जनरल मैनेजर वो सी को रिपोर्ट करता है राइट तो वो जब आप उसको डिज़ाइन कर डिज़ाइन करें एक चीज़ में इसको कहते हैं वन टू मैनी रिलेशन राइट तो जो वन टू मैनी रिलेशनशिप है उसमें बेसिकली यही चीज़ है कि आप जैसे जैसे बताते हैं वो तो नीचे उसको उसको वो डिफ़ाइन करता है मैं कहता हैं ये इसको रिपोर्ट करता है ये इसको रिपोर्ट करता है ये इसको रिपोर्ट करता, करता है ये लोग इसको रिपोर्ट करते हैं जी ये छेल बंदे इसको रिपोर्ट करते हैं ठीक है तो ये आपकी एक हर आ गई अब ये सिस्टम में आपने इनकी कोडिंग की है वो उसकी एक डिफरेंट टेक्निक्स है इन चीज़ों की बट उसके बाद फिर आपने ये ये जो फ़र्ज़ करें ये जो बंदा नीचे इसके नीचे आपने कहा जी ये तीन बंदे इसको रिपोर्ट करते हैं ठीक है फिर इसके नीचे ये जो लोग हैं ये इसको रिपोर्ट करते ये लोग इसको रिपोर्ट करते ये लोग इसको रिपोर्ट करते हैं इस तरह आप उनको एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं राइट जब आप वो लिंक करते हैं तो आप इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपको ये फिर जब आप उसको प्रिंट करना चाहें उस पूरे अपने ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को ऑर्गेनोग्राम को तो वो डेटा से इन्फॉर्मेशन लेता है कि टॉपिक कौन है उसको कौन रिपोर्ट करते हैं जो उसके नीचे उनको कौन रिपोर्ट करते हैं और मोस्टली इस तरह के जो जो चार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजर लेवल तक ही होते हैं उसके नीचे कम लोग या वो फिर वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो हर डिपार्टमेंट अपना भी एक ऑर्गेनोग्राम जो है वो प्रिपेयर कर लेता है तो इसकी इस तरह से इसको देख रहे हैं कि एक एक अपनी यूटिलाइजेशन है जो मैं आपको जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा था दैट इज़ अ डिफरेंट एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन है दिस कैन बी मैनेज फ्रॉम द फ्रंट एंड जब आप अपनी एक कोई एच की एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं वो एज एनालिस्ट आपका काम नहीं वो जो डेवलपर हैं जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उनका काम है बट यही चीज़ें वो भी यूज़ करेंगे और आप इनको यूज़ कर सकते हैं एज ए डाटा साइंटिस्ट कि आप उसको डाटा स्ट्रक्चर जब आप डिज़ाइन करते हैं उसमें आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं